हिंदू जनजागृति समिति द्वारा हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया। भारत और नेपाल को संवैधानिक दृष्टि से हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना बनाने के लिए आशापुर के बैंक्वेट सभागृह में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का प्रारंभ हुआ। हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक सदगुरु नीलेश सिंहवाल ने बताया कि ज्ञानवापी क्षेत्र की मुक्ति के लिए चल रहे कानून संघर्ष को उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली आदि राज्यों तथा नेपाल, अमेरिका से 100 से अधिक संगठनों ने समर्थन देकर काशी विश्वनाथ की सेवा करने का संकल्प किया है। हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मिलने के लिए कानूनी संघर्ष कर रही महिला याचिकाकर्ता तथा डॉ. सोहनलाल आर्य, डॉ. रामप्रसाद सिंह तथा अधिवक्ता मदन मोहन यादव का सम्मान किया गया। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस अधिवेशन का प्रारंभ उपस्थित संतों के कर कमलों द्वारा किया गया। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में सनातन पंचांग 2023 के हिंदी एंड्रॉयड ऐप का लोकार्पण किया गया। ये हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो है, ये मूलतः इसका उद्देश्य यही है कि भारत का जो गत वैभव था, भारत सदियों से प्राचीन काल से हिंदू राष्ट्र ही था, तो वो जो भारत का जो उसका जो वैभव था, तो पुनः भारत को प्राप्त हो जाए, भारत पुनः एक संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र बने, और केवल संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं, धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र भी बने। इस उद्देश्य से ये हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा, ऐसे कई राज्यों से यहाँ पर लगभग 100 से अधिक हिंदू संगठन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, आमंत्रित हैं, और इसमें मुख्य रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें किन किन विचारों पर चिंतन मंथन करना है, विचार विनिमय करना है, इसके बारे में चर्चा आरम्भ है। और इसमें आज के शुरुआत में इसका उद्घाटन समारोह में कई संत यहाँ पर उपस्थित थे। प्रमुख संतों में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ पर उपस्थित थे। प्रयागराज से पीठाधीश्वर राजकुमार जी यहाँ पर उपस्थित थे। अमेरिका में रहने वाली माँ राजलक्ष्मी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। नेपाल से एक संत उपस्थित थे। इस प्रकार से यहाँ पर संत महात्मा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। इसमें सनातन पंचांग 2023 इसके एंड्रॉयड पंचांग का लोकार्पण भी हुआ, और श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो लोग हैं, जो वादी हैं, उनके यहाँ पर वक्तव्य है, उनका सम्मान भी हुआ। और इस प्रकार से हिंदू धर्म को लेकर के जो अलग अलग प्रकार के जो विषय हैं, उन विषय को यहाँ पर उठाया जाएगा, और किस प्रकार से भारत को संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर विचार विमर्श और चिंतन किया जाएगा। हिंदू धर्म, अब मैं ये कहूँगी कि हिंदू धर्म को राजस्थान के राजपूताना, महाराष्ट्र के मराठाओं ने रोका, और भी पूरा रामानंद, मैं रामानंदचार्य संप्रदाय से, योगीराज बर्फानी दादा की शिष्या हूँ, वो रामानंद संप्रदाय, उसके कितने साधुओं ने ये भगवान श्री राम के लिए अपनी जीवन बलि दी है कोई नहीं जानता। तो भारत का तो एक एक इंच खून से, हमारे और आपके खून से सिंचा हुआ है, एक एक इंच, और इस बात को सबके सामने लाने की आवश्यकता है। वो मारेंगे, मारने दो, कितने लोगों को मारोगे, हम तुम्हारे, उसके बावजूद भी हम तुम्हारी तरह नहीं बनेंगे। मैं शब्द, कई सारे कटु शब्द हैं, मैं उनको यूज़ नहीं करना चाहती। जिस तरह से वो कहते हैं कि आरएसएस बोको हराम की तरह है, आरएसएस ने कब दूसरे देश में जाके उसको अपना बनाने की कोशिश की है?